हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्विलिंजी क्लासेस। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट क्वांटिटी ऑफ पिच रूफ। सो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें कंक्रीट क्वांटिटी निकालना है पिच रूफ का। सो देखते हैं इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है। सो लेट्स सी दोस्तों, इसके लिए हमें क्वेश्चन में साइड व्यू दिया हुआ है एंड टॉप व्यू दिया हुआ है। ये जो पिच रूफ है दोस्तों, ये हेक्सागोनल शेप में है, पिच रूफ जो है हमारा क्या है, हेक्सागोनल शेप में है। और यहां पे आप ये देखिए, इसका जो है 3 मीटर जो है हमारा डायमेंशन दिया हुआ है 3 मीटर। मतलब हेक्सागोनल में क्या, जितने भी जो साइड होते हैं वो मतलब इक्वल होते हैं। तो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। सो जब हम इस यहां पे जो है, देखिए सेंटर से यहां पे ये स्लोप पैटर्न है, इस आपको डाउनवर्ड टाइप में ये होगा, ये सेंटर से डाउनवर्ड टाइप में होगा। सो ये जो है कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ पैनल कितने होंगे, नंबर ऑफ पैनल इज इक्वल टू 6। सो हेक्सागोनल जब ये डिवाइड होते हैं तो नंबर ऑफ पैनल कितने, 1 2 3 4 5 6। ये जो पैनल जो है नथिंग बट दैट आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ये जो पैनल है वो आइसोसेलिस ट्रायंगल है। दोस्तों हमें जो क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकालना है। तो हमें ये जो पिच रूफ जो है हेक्सागोनल शेप में है, इसका हमें क्या करना है, कंक्रीट क्वांटिटी निकालना है। सो हम इसके लिए देखते हैं दोस्तों, यहां पे जो है एक चीज में, वो कंक्रीट क्वांटिटी निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है बॉटम टू जो हमारा पिक पॉइंट है, दैट मीन इस पॉइंट से लेके ये जो हमारा पॉइंट है बॉटम, क्योंकि जब ये जो है, ये जो पॉइंट है ये हमारा बॉटम हो गया। सो ये देखिए, आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूं, सपोज ये आपका जो है, ये आपका कोई स्ट्रक्चर है, यहां पे आपको दरवाजा ये प्रोवाइड किया गया, ओके। ये जो है हमारा, ये आपका जो बॉटम जो है, ये बॉटम, ये जो है, ये पकड़ लिया, जीरो लेवल पकड़ लीजिए इसको आप जीरो। और ये जो पिक पॉइंट है, ये आपका जो है यहां से, ये जीरो से इस पॉइंट से 1 मीटर हाइट पे, ये आपका जो है इस पॉइंट को आप जीरो मान लीजिए। सपोज आपको जो ये स्ट्रक्चर जो होगा, ये आपको पीसीसी से 3 मीटर हाइट पे होगा, 3 मीटर हाइट पे होगा, और यहां से ये 1 मीटर हाइट पे, दैट मीन्स क्या, 3 प्लस 4। देखिए हम जो रेफरेंस पकड़ेंगे, क्योंकि स्लोपिंग रूफ जो है, पिच रूफ यहां से स्टार्ट होता है, तो हम इसको जीरो एज्यूम करेंगे। और ये जो हमारा हाइट है, यहां से कितना हमारा हाइट है, 1 मीटर है। सो ये हम देखेंगे, यहां मैं क्यों आपको समझा, आगे मैं आपको बताऊंगा। सो ये हमारा जो हाइट है, ये 1 मीटर है। सो हम क्या करेंगे, अब कंक्रीट का क्वांटिटी निकालेंगे। सो आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा 1 मीटर का। सो इसको हम क्वांटिटी ऑफ पिच रूफ। दोस्तों ये क्या है, ये जो है हमारा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट ऑफ पिच रूफ, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। सो इसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता दूं। सी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट ऑफ पिच रूफ दोस्तों, ये जो है हमारा हेक्सागोनल शेप में है, हम यहां पे क्या करेंगे, हम 1 पैनल का क्वांटिटी निकालेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, 1 जो हमारा पैनल है इसका क्वांटिटी निकालेंगे इनटू 6 नंबर कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 पैनल का क्वांटिटी निकालेंगे एंड क्या करेंगे, उसको 6 नंबर कर देंगे। तो दैट मीन्स क्या हो गया, 6 into volume of one panel। वॉल्यूम ऑफ वन पैनल,
सो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन पैनल निकालेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ पैनल निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन पैनल ये क्या होगा, सबसे पहले ये हम फाइंड करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ वन पैनल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जब हम निकालते क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस. यहां क्वेश्चन में हमें स्लैब का थिकनेस नहीं गिवन दिया होता, वो हम एज्यूम कर लेंगे 150 mm. स्लैब का थिकनेस हम कितना एज्यूम कर लेंगे, 150 mm एज्यूम कर लेंगे स्लैब थिकनेस. स्लैब थिकनेस हम एज्यूम कर लिए. तो दोस्तों ये क्या, एरिया इंटू थिकनेस. अभी ये देखिए, ये जो हमारा है, ये जो हमारा पैनल है वो आइसोसेलिस ट्रायंगल के शेप में है. आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, जैसे इक्वल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारा थ्री साइड इक्वल होता है. आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता है, हमारा दो साइड इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होगा और ये साइड जो है हमारा डिफरेंट होगा. सो ये जो हमारा किसमें है, ये हमारा आइसोसेलिस ट्रायंगल के शेप में है. तो हम क्या करेंगे, एरिया उसका ले लेंगे. सो ये क्या होता है आइसोसेलिस ट्रायंगल, देखिए a by 4 स्क्वायर रूट b² - a² क्या होगा हमारा, a by 4 स्क्वायर रूट 4b² - a². अभी a क्या है और b क्या है दोस्तों, a जो है हमारा, देखिए a क्या होता है हमारा, जो साइड इक्वल नहीं होता है वो a हो गया और जो साइड इक्वल है वो बी हो गया. सो दैट मीन्स ये जो ए है, ए हमें मालूम है 3 meter मालूम है, ये हमें क्वेश्चन ए हमें जो है मालूम है. सो अभी हमें फाइंड करना है, इसको हम बी ले लेंगे, हमको बी निकालना है कितना होगा. सो ये हमें 3 meter मालूम है, ओके ये जो है 3 meter मालूम है. और मैंने आपको क्वेश्चन में आपको बताया था, हमारा जो बॉटम से ये कितना, ये 1 meter है. ये मैं आपको अभी समझाया था, जो हमारा क्या बोलते हैं बॉटम स्लैब जब स्टार्ट होगा वहां से टॉप पोजीशन तक कितना हो जाएगा, 1 meter. सो ये हमारा 1 meter है. अभी देखिए, तो दैट मीन ये हमारा राइट एंगल हो गया. अभी हमारे पास अननोन क्या है, हमारे पास अननोन जो है वो हमारे पास जो वैल्यू अननोन बी है. अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे. एंड बी इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है, बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 3² + 1² पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. एंड उसके हेल्प से हमको बी का वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3² + 1² 3² + 1² ये हमें कितना आ गया, 3.162 meter. पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे एंड उससे जो है हमारा वैल्यू आ जाएगा, दैट क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3² + ये दैट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे. सो ये देखिए, और या थिकनेस हम यहाँ पे 0.15 कर लेंगे, 0.15 meter. अभी देखिए ये हमारा a कितना है, a हमारा 3.4 हो गया, a हमारा कितना है 3.4 हो गया इंटू 4, b हमारा कितना हो गया इंटू 3.162 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a हमारा कितना 3² इंटू 0.15. सो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. अब मैं इसे रब कर देता हूं. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 3 by 4 हमारा कितना है 0.75. सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 0.75 इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3.162² - 3² ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 5.56 आ गया.
थ्री बाई फोर 0.75 आ गया, इस 3/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5.56 आ जाएगा, एंड थिकनेस हमारा कितना है 0.15। सो इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5.56 × 0.15। सो ये हमारा कितना आ गया 0.625। सो हमारा वॉल्यूम ऑफ जो है, हमारा वॉल्यूम ऑफ जो वन पैनल, दैट इज इसका जो वन पैनल का कंप्लीट क्वांटिटी कितना आ गया हमारा 0.625 आ गया, 0.625 क्या क्यूबिक मीटर, 0.625 क्यूबिक मीटर आ गया। और हमें क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट और पीच रूप निकालना है। दैट मीन्स क्या होगा, कितने पैनल थे, 6 पैनल थे। तो 6 पैनल देखिए, 6 पैनल कैसे थे एक बार फिर से मैं सिक्स पैनल थे हमारे, तो कि एक पैनल का हमारे क्वांटिटी कितना 0.625 आ गया। तो सिक्स पैनल का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पिच रूप आ जाएगा। सो सिक्स इंटू पॉइंट सिक्स टू फाइव, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.625 × 6 ये कितना अमाउंट हो गया, ये हमारा 3.75 क्यूबिक मीटर आ गया, ये हमारा 3.75 क्यूबिक मीटर आ गया। सो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ जो पिच रूप हमारा कितना गया, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट जो हमें निकालना था वो हमें 3.75 क्यूबिक मीटर आ गया है। सो इस तरह से जो पिच रूप होता है उसका क्वांटिटी फाइंड करते हैं, कंक्रीट क्वांटिटी फाइंड करते हैं। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो प्लीज नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।